दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। टंबर में सहकारी सभा समिति जम्मू के राशन डिपो में सेल्समैन की नियुक्ति को लेकर लोगों ने विभाग के प्रति भारी रोष व्यक्त किया। स्थानीय लोगों का आरोप था कि इस साक्षात्कार के बारे में कोई भी सूचना जारी नहीं की गई थी और कुछ पारिवारिक सदस्यों को ही साक्षात्कार में गुपचुप तरीके से इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इस बात की जानकारी पंचायत प्रधान नेहा वर्मा को दी गई थी। वहीं पंचायत प्रधान ने भी कहा कि विभाग को इस बात पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। उधर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के खाद्य निरीक्षक विपुल शर्मा ने बताया कि इस बारे में स्थानीय लोगों को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी गई थी। यदि किसी को इस साक्षात्कार से आपत्ति है तो वह उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत भेज सकता है। रखा जाना था एक, जब हमें इस बात का कोई इंटीमेशन नहीं था, पंचायत को इस बात का कोई इंटीमेट नहीं किया, उन्होंने किसी को इसने इंटीमेट नहीं किया। जब मौके पर मुझे इस बात का पता चला तो मैं सुबह मौके पर आई तो पूरे इंस्पेक्टर जो भी थे इनको धर्मशाला से आए हुए थे। मैंने इनको जो डिपो के हमारे प्रधान है श्री शंकर दास जी, मैंने उनको पूछा, मैं सर आप आज इधर डिपो में कोई मतलब अपॉइंट कर रहे हैं बंदा, तो वो मेरे को बोलते हैं हाँ जी। मैंने बोला सर आपने मतलब मेरे को भी इंटीमेट नहीं किया इस बारे में, आपने पब्लिक को किया, तो वो मेरे को बोलते क्यों नहीं किया पब्लिक को, तो हमने बोलते भी इंटीमेट किया था। मैंने बोला नहीं मैं आता तो आज फिर मैंने जहाँ तक मेरे से संभव था मैंने लोगों से जानकारी ली थी, तो लोग बोलते हमें इस बारे का कोई इंटीमेशन नहीं था, तो वो मेरे को बोलते हैं हमने आपको भी किया था। मैंने बोला सर मुझे 6 महीने हो गए इस पंचायत में और मेरे को कोई इंटीमेशन नहीं था कि आज पंचायत में इंटरव्यू है कि कुछ है, तो मुझे बोलते हमने 8 महीने पहले बोलते आपके पंचायत सेक्रेटरी को बोला। जब मैंने पंचायत सेक्रेटरी से बात की वो बोलते हैं प्रधान जी हमें कोई इंटीमेशन नहीं है, और वो बोलते कि अगर इन्होंने 8 महीने पहले बोला तो कोई ये थोड़ी इसमें ये बोला था कि आज इंटरव्यू होगा। और जब नई पंचायत बैठती है नई सरकार बनती है तो उनको इंटीमेशन होता है, और कोविड में जितनी भी एप्लीकेशन आई आपको पता है वो सारी रद्द हो गई हैं नई सिरे से होंगी। और जैसे मैंने उनको पूछा कि आवेदन भरने वाले कौन कौन है, तो जहाँ तक मेरे से संभव हुआ मैंने जानकारी ली तो आवेदन भरने वाले ज़्यादातर जो थे जो इस टाइम हमारे डिपो में लगे हैं उनकी धर्मपत्नी जी, उनकी बहन, उनके अन्य जो भी थे जो उनके मतलब रिश्तेदारी से आते जाते थे। तो हमने एक सवाल कर दिया मेरे मन में मैं क्या कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब एक परिवार से उठा के रख दो, पूरी पब्लिक को उसका इंटीमेशन होना जरूरी है। मैंने अपनी पब्लिक को इकट्ठा किया, मैंने पब्लिक को पूछा, मैं कहा चलो मैं तो प्रधान अभी 6 महीने से बनी हूँ, आप तो मतलब यहीं के निवासी हो कई टाइम से, आपको इंटीमेशन था 8 महीने पहले कि आज इंटीमेशन था, तो मेरी पब्लिक आप लोगों के सामने खड़ी है। वो मेरे को बोलती है हमें किसी को पता ही नहीं था डिपो में बंदे रखे जाएंगे, और ये लोग बोलते हैं कि हमने उधर पोस्टर लगाए हैं, उन्होंने 2 पोस्टर दिखा दिए, ये लोग बोलते हैं कि पोस्टर दिखाए हैं और पब्लिक अनपढ़ नहीं है। तो पब्लिक देखो पूरी पब्लिक आपके सामने खड़ी है, पब्लिक को पता ही नहीं है। और जो हमारे डिपो के प्रधान है वो मुझे बोलते हैं कि मैं प्रधान हूँ और मैं जो चाहूँगा वही होगा, और जो मौजूदा इधर डिपो में प्रधान तो थे ही, और जो मतलब कि जो जो वो बाहर से इंक्वायरी वाले आए हैं जिन्होंने इंटरव्यू लेना था, जब मैंने उनके आगे अपनी बात रखी तो वो मुझे बोलते हैं कि प्रधान जी आप यहाँ से जाओ आपको कोई लेना देना नहीं है। मैं मौके की जो मुझे लेटर दिया जो सरकार ने मुझे दिया उसमें कैंडिडेट्स की लिस्ट थी और मुझे बताया गया कि आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना, तो मैंने डिसाइड किया और उसी के बेस पर मैं यहाँ आज सुबह उपस्थित हुआ। तो बीच में यहाँ के जो लोगों ने बताया कि ये प्रधान है यहाँ के गाँव के, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन किसी को नहीं होगी, तो ये खैर ये बात का विषय है कि इस पर क्या होगा इंक्वायरी होगी। तो उस टाइम में उनको समझाया गया कि ये चीज़ का हल होता है, यहाँ मतलब हमें उसका हल ढूंढना है। तो जब जैसे हम सपोज करें कि इलेक्शन चल रहा है, एक कैंडिडेट होता है कि मुझे वोट कम लगे या मेरे फ्रेंड उनको रोका जा रहा है, तो उसका हल ये होता है कि उसकी रिट होती है, उसकी एप्लीकेशन होती है दोबारा से, इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है। तो जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है उसको नहीं रोक सकता क्योंकि मैं सरकार का नौकर हूँ, वो ठीक है वो सरकार की वो सरकार ने मानता हूँ ये बात। तो जब मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है उसको अभी नहीं रोक सकते, उसका समाधान ये है कि आप रिटर्न में कंप्लेंट दें, तो जिस काम फिर वो हमें आगे कार्रवाई होगी इंक्वायरी बाद में होगी। मैंने उनको सर ये जो इंटरव्यू चल रहे हैं यहाँ पे सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो कमेटी के सदस्य हैं वो भी पूरे नहीं उपस्थित हैं यहाँ पे जी, तो क्या बिना जो सदस्य उपस्थित उसका मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो सरकार का ये है नोटिफिकेशन है उसमें कमेटी का सिर्फ एक मेंबर, एक प्रधान चाहिए होते हैं हमें, एक जो विभाग की तरफ जाता है जो इंस्पेक्टर मैं आया हूँ, एक सिंगल कमेटी मेंबर चाहिए होता है जो इसमें आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा मैं जी, जो आपको रिटर्न दे दूँगा, तो उसमें है ये क्लॉज हमने ये किया है, इसमें उसमें सारी कमेटी नहीं चाहिए। अच्छा, जो जब इंटरव्यू होता है कमेटी चाहिए होती है, जब आपका जनरल लॉ होता है या कोई और आपने अपना अपना कुछ डिसाइड करना है तो उसमें उसमें चाहिए होता है, मीटिंग में चाहिए होता है, हमें इसमें नहीं चाहिए होता, पूरी कमेटी नहीं चाहिए, तो इसका निराकरण नहीं है। और कोई क्वेश्चन है आपके अभी निकला है इसका हल सर ये है कि मेरे को बोला है कि आप रिटर्न में दीजिए, तो जो मुझे अगर सरकार ने भेजा सरकार उसको अपॉइंट करे, क्योंकि मेरा ये कंप्लेंट है मान लो, तो मैं उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकता,
अभी जो है सारे इंटरव्यू हो चुके हैं या बाकी इंटरव्यू हो चुके हैं नियुक्ति हो चुकी है किसके सर नियुक्ति हो चुकी मार्क्स नहीं बता सकता आपको अच्छा क्योंकि सीक्रेट होते हैं रवि कुमार जी के हैं इनके क्योंकि इनके इंटरव्यू और जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है इसके लिए जो दिव्य हिमाचल टीवी के लिए तिनबर से ध्रुव देव की रिपोर्ट।